मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जड़ी तीर से अखे ओ बोले ना नी मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जड़ी तीर से अखे ओ बोले ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि आज मैं गुरखा के ऊपर आया हूँ और अभी हम जा रहे हैं विद फैमिली एक छोटे से डेस्टिनेशन पे। एक छोटी सी ट्रिप हमारी है और पहुँच के आपको बताते हैं कौन सी डेस्टिनेशन है। बने रहिए, कीप वॉचिंग इस ब्लॉग के अंदर। और आज दोनों छोटे उस्तादों के कहने से हम लोग आज किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, निकल पड़े हैं अपने गांव से। और ये ट्रिप भी हमारा हिल स्टेशन का ही है, तो आप देखते रहिए। और अब हम चल दिए हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, हाईवे को छोड़ दिया हमने। और डेस्टिनेशन हमारी अपने ही पहाड़ों के बीच में ही है। बहुत सी सुंदर प्यारी सी जगह है, बैनीताल जिसका नाम है। एक तो नैनीताल होता है, माइंड इट, नैनीताल, दिस इज नॉट नैनीताल, बैनीताल, तो बैनीताल नैनीताल की कॉपी। और बहुत सुंदर जगह है, बिक्की भी देख रहा होगा। बिक्की के मामा कोट से आगे को जाते हैं, जहाँ बिक्की के मामा गाँव है वहाँ से हम आगे को जाते हैं। और आगे बैनीताल है, बहुत सुंदर सी जगह है। अभी जैसे वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको बताएंगे नानू ने क्या क्या खरीदारी करी। नानू क्या क्या खरीदारी करी आपने? दिखाओ कुछ नहीं, बिस्किट खरीदे। दिखा तो सही। और क्या क्या खरीदे? बहुत सारी चीजें खरीद लिया नानू ने खाने के लिए। अच्छा, अच्छा चलो ठीक है। और आगे का व्यू देखिए कितना बढ़िया, प्यारा सा व्यू है। सिंगल रोड है, सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों में कि सिंगल रोड रहती है, तब गाड़ी दूसरी गाड़ी आती है ना तो अब थोड़ी सी दिक्कत होती बड़ी गाड़ी। फ्यूल का थोड़ा देखना है, इसके फ्यूल में अभी 3 सेल दिखा रहे हैं, लास्ट के 3 सेल दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे पास में पेट्रोल पंप था। और अभी हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 26 किलोमीटर है, यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। तो मुझे ये भी देखना है कि ये 26 मतलब आप ये लगाओ अराउंड 50-60 किलोमीटर आना जाना हमारा। तो 3 सेल है, 3 सेल का हमें अंदाज़ा नहीं है। ये चीज़ थोड़ा ख़राब है कि इसमें पता नहीं लगता है कि आपके जो सेल है वो कितना आप एमटी किलोमीटर कितना किलोमीटर आप जा सकते हैं आपके जो फ्यूल है आपके गाड़ी में। अभी इसमें हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कितना फ्यूल इसके अंदर रहा होगा। जो 3 सेल दिखा रहा है लास्ट के, मुझे तो ये लगता है कि लास्ट की 3 सेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और अभी देखते हैं आज ये 50 किलोमीटर का जो रन है हमारा, 50-60 किलोमीटर का, ये कितना एवरेज इसका आएगा लास्ट के 3 सेल में। बाकी एवरेज तो मैंने देख ही लिया है इसका, कितना खींचती है। और रोड बिल्कुल सुनसान है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस रोड पर और सिंगल रोड है। और जैसे कि तीसरा गियर, प्रॉपर तीसरे गियर में ही चल रही है। मिलते हैं, देखते हैं आगे तक, आगे आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए वीडियो में, बहुत रोमांचक वीडियो होने वाला है। बहुत सुंदर जगह है, आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब चलते रहते हैं आगे को। कौन सा गाँव है? खनूड़ा है, विक्की भैया का मामा कोट। विक्की भैया का मामा कोट है यहाँ खनूड़ा। और खनूड़ा क्रॉस कर रहे हैं हम, इसके बाद एरवाड़ी और उसके बाद नैनीताल। 16 किलोमीटर अभी बचा हुआ है डेस्टिनेशन। Source of natural water.
हमारी डेस्टिनेशन रह गई है 6 किलोमीटर टू गो, और जो लास्ट बॉर्डर दिखाई दे रही है वो वाली, और जो ट्रिक हाइट दिखाई दे रही है जहाँ पे ये जो ऊपर मैदान से दिखाई दे रहा है वो लास्ट डेस्टिनेशन हमारी, और वो है बैनीताल। और उसके नीचे देखिए इस तरह की लोकेशन है, यहाँ पूरा जंगल, घनघोर जंगल है। कैन सी हियर, देखिए पूरा जंगल एकदम, बहुत प्यारी लोकेशन है। और ये और वो जो टॉप है सबसे ऊपर वाला टॉप, वहाँ पर हम जाएंगे, अभी 6 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से। पूरा बहुत घनघोर जंगल है, बहुत जानवर यहाँ रहते हैं, जंगली जानवर बहुत रहते हैं यहाँ। वैसे आज थोड़ा हम लेट हो गए और गुरखा लेके आ गई है हमको यहाँ तक। आप मिलते हैं, आगे चलते रहते हैं, देखते रहे, बने रहिए। आप जानों की मिसाइलें चल रही है धड़ाधड़, और हम डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। ये है, और वो देख सकते हैं आप, हिमालयस भी दिख रहे उधर से, हाँ ऊपर से देखेंगे अभी। अमेजिंग व्यूज, डेस्टिनेशन हमारी है। बस गई है, थोड़ा सा ही ऊपर है। अरे अरे अरे, मैं सोच रहा उधर जाना है। मैं भी रोड ऐसी कटी हुई है, बढ़िया इन्होंने रोड यहाँ पे काटी हुई है, सुंदर तो नहीं है। हाइट पे ऐसा लगता है आसमान बिल्कुल नजदीक है यहाँ। हाँ बहुत सुंदर है, अभी तो हरियाली नहीं है लेकिन बरसात के टाइम में आता है तो बहुत सुंदर लगता है। ये जो अंग्रेजों के टाइम पे भी यहाँ पे वो थे, बैंगलो थे, टूरिस्ट बैंगलो होते हैं, वो बने हैं। सही बाबा मोहन उत्तराखंडी, ये बाबा यहाँ पर बाबा मोहन थे ना उत्तराखंडी। बस यहाँ से आगे नहीं है, इधर ले डालो ना यहाँ से। अरे गोरखा है ये, वो भी सामने मॉन्स्टर गोरखा। क्या यहाँ से आ पाएगी गोरखा? क्यों नहीं, ट्राई करो एक बार, फिर उधर खड़ी उधर लगाते हैं। नहीं होगी, नहीं होगी, मैं आपको गाइड करता हूँ। सो अब मॉन्स्टर गोरखा, तो उसके लिए ये इजी है, इतने में तो थार भी निकल जाएगी। कैमरे में दिख रहा होगा बात छोटा, पर ये वैसे गहरा बहुत है। और ये इको स्पोर्ट्स है, मॉडिफाई कर रखी है बहुत। हाँ मम्मी और डर रहे, मम्मी डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गोरखा। ये और गड्ढे में ये वैसे फंस सकती है, पर नहीं फंसेगी। इसके कंट्रोल आर्म का डर लग रहा पापा को ना। मम्मी डर गई, मम्मी गुस्सा कर रही पापा पे। मम्मी बोल रही क्यों ले जा रहे होगी। सो मॉन्स्टर गोरखा, आओ 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 आओ, हल्का सा हल्का, इधर इधर आओ 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 आओ। तो बस आ गई भाई साहब, ओ भाई ओ, बस 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 बम्पर 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 लग रहे। नहीं भसी नहीं भसी नहीं भसी, गुरखा ने तोड़ दिया तोड़ दिया। ओ भाई साहब, भाई रुको, मंसूर गुरखा आ चुकी है, आ जाओ। ये है भाई मैदान,
नहीं हुआ यार कुछ, लोग तो टूट गया क्या लगा? ना ना वो मिट्टी लगी हुई, अरे मिट्टी लगी हुई हो, लो भाया वो लो भा। बहुत बहुत गड्ढा था, बहुत बड़ा, निकालनी भी वैसी पड़ेगी आराम से। देख भी नहीं लो इस तरफ से होगी जाने की। तो ये है डेस्टिनेशन, दिस इज कॉल्ड, आगे चले चलो वहां पर बैठेंगे। वाह चलो आगे। और अपनी मोटर गुरखा गुरखा तो भयंकर चल रही है। तो जो ऑब्स्टिकल था वो देखिए आप वहाँ पे इस तरफ जो ऑब्स्टिकल था वो ऑब्स्टिकल हालांकि काफी गहरा था वहाँ, और क्या है कि उसमें फंस गया था। फोर लो मैंने लिया, पहले बैक लिया और हल्का सा झटका, ये डेंट हो गया, देखो ये ऊपर आ गया। और उसने सब कुछ पक्का बनाया, ये कच्चा बनाया, कच्चा नहीं मतलब जोर से लगा है, ये थोड़ा सा लगा है पत्थर ऐसे में, ये देखो ये हल्का ढीला हो गया, क्रैक भी हुआ है तो बात नहीं है, लग जाएगा। और नीचे तो कुछ नहीं लगा, बाकी तो थोड़ा सा ये लगा डिपार्चर, तो हालांकि इसकी इसकी जो कैपेबिलिटी है मुझे डर लग रहा था थोड़ा कंट्रोल आर्म नीचे ना लगे, लेकिन निकाल ली थी मैंने, वो मिट्टी थी ना इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, पत्थर लगता तो तब प्रॉब्लम आती। आओ ऊपर चोटी पे चलते हैं, वो ग्लास ऊपर हो गया उसका, नहीं ग्लास नहीं। और ये जो दलदल है इसी को ताल कहते हैं, बेनीताल, ये देखिए कितना सुंदर है ये भी डेस्टिनेशन। और बर्फ़ के टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ रहती है, बहुत सुंदर व्यूज है। जैसे उस तरफ है ना नारायणगढ़ के ऊपर घाट के पीछे जलताल सुखताल, त्रकताल है वो, जलताल भी है, एक जलताल भी है, जलताल सुखताल, वहाँ पर भी ऐसा बताते हैं कि जानवर डूब जाता है। दुनिया बैठो, मैं अनिरुद्ध गाड़ी को लगा के आते हैं। हाँ गाड़ी तो आप जो है आज कहीं फंस ना जाए हम, क्योंकि ये येलो दिखा रहा है और मैं कहीं जंगल वाले इलाके में हूँ और येलो दिखा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फंस जाए। जरा अभी मैं बात करता हूँ अपने गुरखा के जो हमारे टेक्निकल वो हैं उनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि फ्यूल मैं कैरी नहीं कर पाया, ज़्यादा दूर नहीं थी डेस्टिनेशन और तीन सेल दिखा रही थी, लेकिन ये अभी टू टू करने लगा है, हो सकता है कि हम फंस जाएँ। डीजल मिल चुका है, नहीं अभी जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी ना तो काम चलाने वाली बात है, तो हमको भी नहीं चला। एक्चुअली हमारी मिस्टेक्स थी, हमने जो है ये सोचा कि 26 किलोमीटर है, लेकिन बता रहे कि ये 36 किलोमीटर था और 80 किलोमीटर के आसपास था यहाँ पे आना जाना, 80। तो क्या हुआ कि इसमें तीन जो सेल दिखा रहा था, तीन डंडी दिखा रहा था, तो मुझे लगा शायद ये हो जाएगा इतने में, लेकिन अभी जब इसने एम्प्टी का सिग्नल
वो करने लगा तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा वो हो गई, टेंशन हो गई। मुझे ये लगा कि सारे तो पूरा जंगल है, सारा पूरा जंगल, और जंगल में कहीं कोई तेल तो मिलना है नहीं। तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो वहाँ पर पर्यटन का कुछ काम चल रहा है, तो उनसे मैंने बात करी और बेचारों ने 3 लीटर के आसपास थोड़ा तेल मुझे दिया। तो अगर 10 का एवरेज भी मैं निकालता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा ऐसे लग रहा है, और थोड़ा बहुत इसमें बचा हो। तो मैं ये कहना चाहता कि अगर किसी के पास लोएस्ट पॉइंट पे अगर फ्यूल है, थर्ड जैसे 3 ये दिखा रहा ना, तो 3 का कोई भरोसा नहीं है कि वो आपके पास 10-15-20 लीटर तेल होगा। 15-20 लीटर नहीं है, बल्कि वो 3 का मतलब 5 लीटर या 7 लीटर के आसपास होगा, वो मुझे ये लगता है। क्योंकि थोड़ा सा ऑफरोडिंग भी करी हमने, तो 4x4 भी यूज़ हुआ, और इसके भी ये हो कारण हो सकता है कि फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम हो गया। अभी तो थोड़ा सा डाउन है, तो मैं थोड़ा टॉप गियर में चला रहा हूँ, 3rd-4th में, ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ वापस अपने पेट्रोल पम्प तक। तो ये रहा आज का जो टूर था, थोड़ा सा गाड़ी फंस भी गई थी क्योंकि वहाँ पर गड्ढा था और गड्ढे से मैं निकालना चाह रहा था, तो थोड़ा फंस गई थी गाड़ी, बड़ी मुश्किल से निकली, बहुत प्रयास किए। और जब मैं इधर से निकल रहा था तो गाड़ी ऐसी हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, और देखने वाले लोग काफ़ी डर गए थे, कह रहे थे आपने गाड़ी बिल्कुल ऐसा इसका विकराल रूप देखा कि हमने, ऐसा कह रहे थे। तो यही है सब कुछ, ऑफ रोडिंग भी। तो हमारा जो टूर था एक्चुअली, उसमें जो छोटी सी ऑफ रोडिंग थी उसमें थोड़ा सा हम फंस भी गए थे, और लास्ट में आखिर निकाली दी थी, तो थोड़ा सा नुकसान उसमें हो गया ऑफ रोडिंग में। पीछे का जो बम्पर है वो हमारा लग गया था, वो बम्पर हमारा लग गया था, और बम्पर थोड़ा क्रैक भी हो गया वो बीच से ना, जहाँ पर टोइंग हो गया वहाँ पर उसमें क्रैक आ गई है। तो जाके कंपनी में जाके दिखाएंगे, इसको ठीक कराएंगे, करना अब लग जाती है तो क्या करें, लग गई उसको ठीक कराना है। और आगे जो गार्ड है उसमें भी थोड़ा सा मिट्टी से थोड़ा सा अंदर को दब गया है, वो तो खैर ठीक हो जाएगा। पीछे वाला बम्पर थोड़ा सा हल्का क्रैक आई है उसमें, तो उसको दिखा लेंगे। तो लेटर ऑन सब अच्छा लगा, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।